दोस्तों आज हम जानने वाले हैं इलायची आखिर बनता कैसे है। क्या कभी आपने ये सोचा है तीन हरी इलायचियों को कैसे बनाया जाता होगा? तो दोस्तों इलायची पेड़ों के टहनियों में नहीं बल्कि पेड़ों के जड़ों द्वारा जमीन पर उगते हैं और इलायची के कच्चे फल कुछ इस तरह के दिखते हैं। यही फल कुछ प्रोसेस के बाद इलायची बन जाते हैं। तो इलायची उगने की शुरुआत होती है प्लांटिंग प्रोसेस से, जिसमें सबसे पहले बड़े और अच्छे क्वालिटी वाले हरे इलायचियों के दाने को निकालकर पानी में कुछ घंटों तक रख दिया जाता है, जिससे कि इलायची के दाने अंकुरित होने लायक हो जाता है। तो अब इन दानों को पानी से निकालकर सुखा लिया जाता है और मार्च से मई के महीनों के बीच इनके प्लांट तैयार किया जाता है। प्लांट में इलायची के एक पौधे की कीमत लगभग 20 से 30 रुपए तक होती है और जब इलायची के ये पौधे 4 से 5 फीट जितने बड़े हो जाते हैं तब इन पौधों को बारिश वाले इलाकों में लगा दिया जाता है और फिर लगभग 4 से 5 साल के लंबे समय के बाद जब इनके पेड़ 15 से 20 फीट जितने बड़े हो जाते हैं तब इन इलायची के पौधों में फूल अंकुरित होना प्रारंभ हो जाते हैं। इनके पौधे काफी घना होता है। इलायची के फल पेड़ के नीचे जमीन पर ही उगते हैं। इनके फल अंकुरित होने के दूसरे सप्ताह समाप्त होने तक सारे इलायचियों को हार्वेस्टिंग भी कर लिया जाता है। हार्वेस्टिंग का ये काम पुरुष एवं महिला दोनों करती है। हार्वेस्टिंग के बाद सारे वर्कर्स अपने अपने तोड़े गए इलायचियों के फलों को फैक्ट्री तक लाते हैं, जहां वर्कर द्वारा लाए गए कच्चे इलायचियों को तोड़कर इस इलायचियों को मशीन में डालकर लगभग 50 डिग्री सेल्सियस के गर्म तापमान पर डाले गए इन फलों को सुखाते हैं ताकि इलायचियों के कच्चे फल सूखकर रेडी हो सके। अगले प्रोसेस में इन सूखी इलायचियों पर पॉलिशिंग प्रोसेस किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इलायची और ज्यादा चमकीली बन सके, जिससे कि इन इलायचियों की मार्केट में हमेशा डिमांड बनी रहती है और कुछ ही घंटे के बाद बनकर तैयार हो जाते हैं सूखे हुए हरे इलायची। लेकिन अभी यह मशीन से निकले हुए इलायची गर्म है, इसलिए अभी इलायचियों को थोड़ी देर तक ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठंडा हो जाने के बाद अब कुछ वर्कर इनमें से खराब इलायची को छांटकर अलग करते हैं। उसके बाद सभी अच्छे क्वालिटी वाले इलायची को एक छोटे बड़े पैकेट में भरकर मार्केट में बिकने के लिए भेज देते हैं। और दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वैसे गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।